हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोलाम 0.5 mg टैबलेट के बारे में। जोलाम 0.5 mg टैबलेट के बारे में आज बताएंगे कि इस टैबलेट किस बीमारियों में दिया जाता है और उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है और उसका साइड इफेक्ट क्या है। तो आइए शुरू करते हैं जोलाम 0.5 mg ये कंटेंट के बारे में। जो ये कंटेंट यहाँ पर रहता है कि एल पराजलम जो कंटेंट है 0.5 mg, ये क्या होता है कि किसी की बीमारियों का अगर नींद नहीं होता है, नींद की गोली माना जाता है कि जोलाम 0.5 mg टैबलेट जो है वो नींद की गोली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट में रहता है एल पराजम। ये आपका नींद का गोली है कि आप उसे लेने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि ये बिना डॉक्टर की ये टैबलेट दिया नहीं जाता है, बिना प्रेस्क्राइब के ये टैबलेट ये दिया नहीं जाता है। कोई मेडिकल स्टोर में भी ये बिना प्रेस्क्राइब की ये टैबलेट दिया नहीं जाता। तो आइए शुरू करते हैं इस टैबलेट के कौन सी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। जोलाम 0.5 mg टैबलेट जो है वो आपको अगर नींद नहीं आ रहा है, ज़्यादा टेंशन है तो आपका टेंशन में आपका नींद नहीं आ रहा है, कभी मानसिक बीमारी है कि आपके मानसिक बीमारी हो, आप डिप्रेशन में है, आपको नींद नहीं आ रहा है, तो ये टैबलेट यूज़ किया जाता है। तो ये टैबलेट लेने का तरीका जो है, ये टैबलेट आपका 8 घंटे तक काम करता है, खाने के बाद आधा घंटे के अंदर ये काम करना शुरू कर देता है। तो कोई भी इंसान हो, 6 से 8 घंटा तक नींद ज़रूरी होता है, अगर नींद पूरी नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। अब ये टैबलेट लेने से 6 से 8 घंटा तक ये टैबलेट का जो पावर है वो काम करता है। अगर ये टैबलेट आप लोग को लेना है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि बिना डॉक्टर की ये टैबलेट लेना नहीं है, ये नॉर्मली टैबलेट लेना नहीं है, क्योंकि ये नींद का गोली है कि ये बिना प्रेस्क्राइब से ही आप लेना नहीं है, ये प्रेस्क्राइब से ही लेना है, क्योंकि ये आपको बॉडी के इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपका शरीर बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये गोली ले सकते हैं या नहीं। तो इसलिए जोलाम 0.5 mg टैबलेट जो है वो नींद का गोली होता है, और ये गोली या टैबलेट लेने से पहले आप जरूर याद रखना कि कोई भी ड्राइविंग हो या मशीन चला रहा है तो आप उसे लेना नहीं है, आप नशा कर रहे हैं तो भी ये टैबलेट नहीं लेना है, क्योंकि लेने से आपका खतरा हो सकता है, आपका साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। तो ये प्रेगनेंसी में भी दिया नहीं जाता है, क्योंकि बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए आप लोग अगर ये टैबलेट लेना है डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, बिना डॉक्टर की ये टैबलेट यूज़ मत करना। और उसका डोजेस के बारे में बता दो, उसका डोजेस तो आप डेली एक ही टैबलेट लेना पड़ता है, डेली एक ही टैबलेट लेना पड़ता है, रात को सोने से पहले आपको ये खाना के बाद लेना पड़ता है, रात को डेली 1 टैबलेट। और उसका साइड इफेक्ट ज़्यादातर साइड इफेक्ट आपका पेट में गैस हो सकता है, चक्कर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, और आपका शरीर कमजोरी हो सकता है, ये साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई देता है। तो इसलिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।